हेलो फ्रेंड्स, संडे स्पेशल मलाई कड़ाई चिकन। वीडियो में जाने के लिए वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। एक किलो चिकन, पेपर, जीरा, धनिया, एक कप दही, गार्लिक पेस्ट, चिल्ली पाउडर, कैश्यू नट्स 10 to 8, बादाम आपकी मर्जी कितने भी डाल सकते हो, सॉल्ट, हल्दी, चिकन मसाला, दो टमाटा, एक ऑनियन। चलो रेसिपी के चलते चिकन में एक कप दही, सॉल्ट, एक चम्मच हल्दी, एक चम्मच गार्लिक पेस्ट, एक और दो चम्मच चिल्ली पाउडर, हाफ स्पून कोरिएंडर पाउडर मीन्स धनिया मसाला, एक चम्मच जीरा, एक चम्मच पेपर पाउडर, एक चम्मच चिकन मसाला, बस सब डाल के अच्छे से मैरिनेट करना है। अच्छा मिलाने से बाद एक स्पून नींबू, सब फिर से अच्छा मिलाना है उसको। चिकन बनाने के फर्स्ट स्टेज ही कंप्लीट हुआ, बस इसको 30 मिनट्स बाजी रख दो। प्रिपरेशन के लिए फर्स्ट टमाटर को मिक्सी मारना है, मिक्सी के बाद इसको सेपरेट निकालना पड़ेगा। सो नेक्स्ट आइटम बादाम और कैश्यू नट और थोड़ा पानी, इसी को भी अच्छे से पेस्ट कर लेना और इसी को भी बारीक निकालना पड़ेगा। मलाई चिकन हंडी के लिए सब तैयारी हो गई, चलो हम चलते हैं मेन प्रोसेस को। पैन पे 4 स्पून ऑयल डालना है फर्स्ट ऑफ ऑल, थोड़ा प्याज डाल लेना, उसको अच्छे से फ्राई करके गोल्डन कलर आए तक उसको फ्राई करना चाहिए। सो ऑनियन अच्छा फ्राई हो गए थे, अब नेक्स्ट आइटम चिकन को मिलाना है। चिकन को नहीं ले लिया है, तो अब अच्छे से चिकन को नीचे से ऊपर को अच्छे से हलाना चाहिए, क्योंकि ऑयल सब चिकन को अच्छा लगना चाहिए अंदर से, जब ही मसाला अंदर से आपको अच्छा लगेगा। सो 5 मिनट के लिए इसको क्लोज कर दो। देखिए कैसा कलर चेंज हो गया, स्पाइस सब मसाला चिकन को अच्छा लग गया। तो अब जो ऑलरेडी हम पेस्ट करके रखे थे टमेटो को उसमें डाल देते हैं। फिर से इसे अच्छा हलाना चाहिए। तो टमाटो पेस्ट तो ग्रेवी के पसंद से आप कैसा भी डाल सकते हैं, 3 और 4, हमको तो 2 चाहिए। आपको ज़्यादा ग्रेवी चाहिए तो आप ज़्यादा डाल लो। अच्छा हलाने के बाद, मिक्स करने के बाद उसको फिर 10 मिनट्स क्लोज कर दो। सो चिकन अच्छे से पक गया, तो लास्ट वाला पेस्ट में डाल देते। सो ऑलरेडी हमके पास कैश्यू नट पेस्ट है, बस मजे मजेदार के लिए उसमें डाल देते। बस किसी को भी अच्छा मिक्स करना है। कैश्यू नट पेस्ट अच्छा चिकन को मिलने के लिए और 2-3 मिनट बॉईल गरम के लिए छोड़ दो लो फ्लेम पे। देखना फ्रेंड्स, अच्छा ऑयल भी ऊपर ऊपर आ गया, तो चिकन भी अच्छा पक गया। सो फाइनली मलाई चिकन हंडी बन गई।
और मज़ेदार वीडियोस के लिए सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।